मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर चेतावनी दे डाली है। राज ठाकरे ने मांग करते हुए मंच से कहा है कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को बंद किया जाए, नहीं तो हम तेज आवाज में हनुमान चालीसा सुनवाएंगे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि राज ठाकरे ने क्या कहा था, उसके बाद राज ठाकरे के विरोध में आए मंत्री जितेंद्र वाड ने भी क्या कहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिनीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। तो सुना आपने, राज ठाकरे का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमजान का महीना शुरू हुआ है। हालांकि राज ठाकरे ने ये भी कहा है कि किसी धर्म विशेष के प्रार्थना के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन मुझे अपने धर्म पर गर्व है। साथ ही मनसे प्रमुख ने शरद पवार पर भी समय समय पर जाति के मुद्दे पर बांटने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी पार्टी के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी अब राज ठाकरे के विरोध में उतर गए हैं। और मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने पूरे महाराष्ट्र में मदरसे में क्या हो रहा है ये चैलेंज करते हुए कहा है कि मदरसे से अगर एक भी दाढ़ी बनाने वाले अस्तूरा बरामद कर दिया जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सुनिए गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा है। कल जो कुछ राज ठाकरे जी ने भाषण में कहा, जैसे कि मुंबरा में आप कोई भी मदरसे में जाइए तो आपको क्या हाथ में लगेगा पता चलेगा, पुलिस को सब मालूम है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी थी। लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए, मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तापित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना। हमने तो सुना था कि आपके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है, इन्हें आप रोजगार देने वाले थे, अच्छी बात थी। लेकिन आज आपकी ब्लूप्रिंट में ये मस्जिद के सामने जाके बैठो बच्चों लोगों को कहना, ये कहां से आ गया भाई? आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में, छुड़ाने के लिए मां बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है। कल आपके भाषण में अचानक आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो रैली निकलती है उसके बारे में आपको बहुत प्यार आया। कभी जिंदगी में जय भीम कहा है? कभी 14 अप्रैल को आपके घर के 3 मिनट के अंतर पे जो चैत्य भूमि है वहां गया है नमन करने के लिए? राज ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, और जो नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि हर कौम के लोगों को साथ लेकर चले, लेकिन उन्हीं नेताओं में से एक एक नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं जो जातिवाद को रंग दे रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।